बजट पेश होने से पहले ही ये अटकलें थी कि क्या ये एक चुनावी बजट होगा। तो अब देखिए कि जब चुनाव होते हैं सबसे ज्यादा संख्या में जो लोग वोट डालने निकलते हैं वो गरीब होते हैं, मिडिल क्लास के वोटर होते हैं, वो सब बूथ तक पहुंचते हैं। तो अब इनके लिए क्या हुआ, गरीब और जो आम इंसान है, जो मिडिल क्लास है, उसके लिए क्या हुआ है इस बजट में, देखते हैं। देश का आम गरीब, निम्न मध्यम वर्ग और मिडिल क्लास का आम आदमी खुलकर वोट देने बूथ तक आता है, बढ़ चढ़कर बीजेपी को वोट भी देता आ रहा। हिसाब ये कहता है कि 2009 में मिडिल क्लास का 22% हिस्सा बीजेपी पाई, 2019 में बढ़कर ये 39% हुआ। 2009 में गरीब वोट का 18% वोट बीजेपी को मिला, 2019 में बढ़कर 38% हुआ। क्या इसी वर्ग की आकांक्षाओं को समझकर बजट इस बार आया? ये बजट वंचितों को वरीयता देता है, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग सभी के सपनों को पूरा करेगा। आम आदमी के सपने पूरे करने वाले जो दावे बजट से आए वो इस प्रकार है। नई टैक्स प्रणाली के तहत 7 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ये सबसे अहम रहा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए बचत योजना की अधिकतम सीमा 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख हुई। मासिक आय योजना के लिए एकल खाते की अधिकतम जमा सीमा 9 लाख रुपए की गई। मोबाइल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, टीवी, खिलौना, साइकिल, बैटरी सस्ते हुए। निजी कंपनी के कर्मचारी को रिटायरमेंट पर लीव इनकैशमेंट 25 लाख तक टैक्स फ्री होगा। गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त अनाज 1 साल और मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना का बजट 66% बढ़ा, यानी गरीबों को और भी पक्के घर मिलेंगे। युवाओं के लिए 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर खुलेंगे, रोजगार बढ़ेगा। 47 लाख युवाओं को नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम के तहत 3 साल तक भत्ता दिया जाएगा। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान से स्वरोजगार के लिए पारंपरिक कारीगरों, शिल्पकारों को वित्तीय मदद दी जाएगी। जनजातीय छात्रों के लिए 740 एकलव्य मॉडल स्कूल में 38,800 टीचर भर्ती किए जाएंगे। तो हम चर्चा करें उससे पहले सिर्फ एक आंकड़ा आपको बता देते हैं कि देश में 60 लाख से ज्यादा टैक्स पेयर ऐसे हैं जो कि वरिष्ठ नागरिक हैं, जो औसत सालाना 50,000 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स भरते हैं। और 60 लाख वरिष्ठ नागरिकों से जुड़े हुए परिवार के अगर हम 3 सदस्य भी लगा लेते हैं तो उस हिसाब से 1,80,00,000 ये आंकड़ा पहुंच जाता है। गौरव वल्लभ जी, पहले आपसे शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, मैं फिर बाकी नंबर मैं दूंगा, आपके सही सवाल पे सही नंबर भी दूंगा, पर मैं कारण बताऊंगा कि मैं क्यों 0 नंबर दे रहा हूं। क्या पूरे बजट भाषण में गरीब शब्द या गरीबी, पॉवर्टी, इस शब्द का एक बार भी बजट भाषण में उल्लेख तक नहीं किया वित्त मंत्री जी ने? और आप गरीबी पे जब बोल रहे हैं तो मैं फिर 0 से ज्यादा कैसे दूं मिडिल क्लास के लिए? अब मैंने अपन टैक्स की बात कर रहे थे, क्यों सरकार चाहती है कि जो मिडिल क्लास के लोग एग्जम्पशन में अपने भविष्य के लिए पीपीएफ में, सुकन्या समृद्धि में, एलआईसी की पॉलिसी, एनएससी, आईवीपी, केवीपी में पैसा डालते हैं, क्यों सरकार चाहती है कि वो नहीं डालें? और कोई, मैं यहाँ पे इतने एक्सपर्ट हूँ, कोई दुनिया में ऐसा देश है जहाँ पे 2 तरह के टैक्स रिजीम चल रहे हैं? ये कोई एमसीक्यू खेल रहे हो क्या बच्चों के साथ? इधर भी चले जाओ, उधर भी चले जाओ, सुधांशु जी अगली बार 2 और टैक्स रिजीम डाल देना, ए बी सी डी, इस टैक्स रिजीम में जाओ तो ये, इस टैक्स रिजीम में जाओ तो ये मतलब जो वो लूडो का खेल है ना, उस तरह का गेम बना रहे हैं। क्यों कंफ्यूजन है? व्हाई फाइनेंस मिनिस्टर इज सो मच कंफ्यूज? तो इस कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड के लिए 0 से ज्यादा मैं नहीं दे सकता। सुधांशु जी, अभी या सबके जवाब ले लें हम पहले? एक लाइन में इनका जवाब देते हैं फिर। ठीक है, एक लाइन में मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, जो इन्होंने कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड कहा तो मुझे तो लग रहा आर्थिक विशेषज्ञ होकर स्वयं नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए, 2 प्रकार के लोग हैं। एक मैंने कहा जो करियर शुरू कर रहे हैं, शुरू के 5 साल में, उनके लिए ये स्लैब बेटर है क्योंकि उन्हें अभी इन्वेस्टमेंट नहीं, करियर अपॉर्चुनिटी देखनी है। और एक कुछ लोग ऐसे जो रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं आखिरी के 5-7 साल में, उनके लिए पुराना रिजीम बेटर हो सकता है इन्वेस्टमेंट करें। सुधांशु जी, नहीं, इसीलिए तो मैंने कहा ना, हम 10 में 10 इसलिए दे रहे हैं कि देखिए, जो यंगर पॉपुलेशन और ओल्डर पॉपुलेशन दोनों के रिक्वायरमेंट एकदम अलग होते हैं, जो 50 प्लस वाला जो 20s में है, तो दोनों का ध्यान रखा गया। उस शून्य का प्रभाव कुछ ऐसा है कि पूरी तरीके से संज्ञा शून्य हो जाने के कारण उनको शून्य ही दिखाई पड़ रहा है। एक लाइन में सिर्फ, सुधांशु जी, पिछले 2 साल से 2 टैक्स रिजीम चल रहे हैं। ये जो नया वाला जो टैक्स रिजीम है,
तीन से छह, छह से नौ, नौ से बारह, बारह से पंद्रह, मोर देन पंद्रह, इसमें कितने लोगों ने पिछले दो साल में कर भरा क्या बता सकते हैं? तो पता लगे, क्योंकि आपने कहा कि भाई जो नई नौकरी शुरू कर रहे हैं उनको ये फायदा मिलेगा, जो रिटायर हो रहे हैं उनको वो फायदा मिलेगा। दो साल में कितने लोगों ने दूसरे टैक्स रिजीम में टैक्स भरा आप बताइए। मुझे लगता है आप फिर नई बात को समझ पाए। आप फिर गलत सुनिए तो मत कीजिए। अरे भाई मैंने दो अलग अलग टैक्स रिजीम की बात की, स्लैब्स की बात नहीं की। मतलब जो आपने कहा कि 7 लाख रुपए वाला एक है कि मॉडर्न डिफॉल्ट और एक है ओल्ड, तो मैंने कहा मॉडर्न डिफॉल्ट उसको सूट करता है जो यंगर है 22, 24, 25 साल का, और ओल्डर वाला उसको सूट करता है 52, 54। आप शून्य से समझ पा रहे हैं, शून्य से 10 के स्पेक्ट्रम के बीच के लोगों के पास चलते हैं। सर सुभाष जी, मेरे तरफ से इस मुद्दे पे गरीब और आम आदमी के लिए पांच इसलिए कि इस बजट में अनफॉर्चुनेटली गरीब और आम आदमी के लिए कोई बात कही नहीं गई, कोई स्कीम नहीं है जो इसके लिए है। लेकिन पहले से सरकार ने काफी कुछ कर दिया है, जैसे ये 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन वाली स्कीम चल पहले बजट से पहले ही हो गई थी। तो चूंकि सरकार ने काफी कुछ कर दिया है उसके लिए 5 मार्क्स, और इस बजट में कुछ नहीं किया इसलिए बाकी 5 मार्क्स नहीं। इस बजट में जितना चादर हो उतना पैर फैलाओ जैसे कहते हैं, वैसे उन्होंने बजट बनाया। अभी आप मोटापे के लिए डाइट भी कर रहे हो और बोल रहे हो कि भोजन भी परोसा जा रहा है, ये दोनों में से एक सही होगा। मुझे लगता है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने जो परिस्थिति है उसके अनुरोध बजट बनाया है, और शायद इससे ज्यादा खर्च करते तो जो गरीब तबके के लोग हैं उनको सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि जो महंगाई है वो सबसे गरीब तबके के ऊपर ज्यादा पड़ती है। ये कह के मैं रुकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे हैं जो अधूरे हैं। जैसे सरकार में कोई 8,000 स्कीम्स है जिस पर DBT लागू है, इन स्कीम्स से किसको फायदा हुआ नहीं हुआ इसकी कभी रिव्यू हुई है? आप जो एक्रोनिम के लिए हिंदी शब्द नहीं है लेकिन PMGSY, MGSY ऐसे बहुत सारे स्कीम्स हैं, इससे कितने लोगों को फायदा हुआ? आप शिक्षा के लिए क्या कर पाए? एक शिक्षा के लिए एकलव्य स्कूल के लिए पैसे, टीचर रिक्रूटमेंट की बात हुई, लेकिन राज्य सरकारों ने 5 लाख से ज्यादा स्कूल टीचर्स की वैकेंसीज रखी हुई है, वो क्यों भरे नहीं जा रहे हैं? इसके लिए सिर्फ 6 नंबर आप दे रहे हैं। प्रवीण जी, जी इन एनी केस रियल टर्म्स में अगर आप इन्फ्लेशन को देखें तो ये जो राशि है 45 लाख करोड़ वो 41.9 लाख करोड़ से कम हो जाती है। ठीक है, अगर आप सिर्फ इन्फ्लेशन को तो रियल टर्म्स में अगर आप देखें तो वो जो एक फिस्कल स्पेस या एनवलप जो होता है वो तो कमा ही कमा है। ठीक है, अब उसमें क्या हुआ है कि आप अधिकतर जो मेजर स्कीम्स है आप उसको लेके देखिए, या तो नॉमिनल टर्म्स में वो वही हैं या 1,000 करोड़ बढ़े हैं। तो मिला जुला के तकरीबन 70-80% जो स्कीम्स हैं उसमें घटौती हुई है, जिनका आम आदमी के जीवन पे, खास करके जिनको हम गरीब कहते हैं उन पे बहुत प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए क्या रेट करेंगे आप? इसलिए जो है इसमें मुझे 2 से ज्यादा देने में मुश्किल है। ठीक है जी, ठीक है, तो 11+2 हो गया 13 और इधर 10 थे, तो यानी कि जो टोटल जो कुल आंकड़ा हमारे सामने है गरीबों और मध्यम वर्ग, जो कि निम्न मध्यम वर्ग आप समझिए यहां पर, उसका आंकड़ा कुल 23 है। लेकिन जैसा कि सुभाष जी भी कह रहे थे, इस आंकड़े से परे एक और सच्चाई यह है कि जो फ्री का राशन मिल रहा है लोगों के मन मस्तिष्क में वो एक अलग असर कर सकता है अगर हम चुनाव के लिहाज से इसे देखें। फूड सब्सिडी 3 लाख करोड़ से घट के तकरीबन 2 लाख करोड़ हो गई है। 1.97 लाख करोड़। सर मैं तो आम जनमानस की फीलिंग की बात कर रही हूँ, तो आंकड़ों से और जो जमीन पर जो लोग सोच रहे हैं उसमें एक बड़ा फासला आ जाता है। लेकिन ये जो हमारे विशेषज्ञ हैं वो दे रहे हैं 23 नंबर 50 में से गरीब और आम आदमी के मुद्दे पर, बजट में क्या किया गया है उसे लेकर।